तो आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्टॉक बाजार में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग में चार्ट देखने के लिए एंड किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए ट्रेडिंग व्यू एक काफ़ी अच्छा एंड फ्री सॉफ्टवेयर है। तो आज का वीडियो उसी के एक ट्यूटोरियल के बारे में होने वाला है, जिसमें हमने आपको इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी में निफ्टी 100 के स्टॉक्स के साथ काम करने का बताया था। तो अगर हम चाहे कि निफ्टी 200 में हमें काम करना है, तो फिर हमें निफ्टी 200 के स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में चाहिए रहेंगे। लेकिन अगर हम निफ्टी 200 के स्टॉक्स ऐड करने बैठे, तो ये हमारे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो वो केवल एक ही क्लिक में हम निफ्टी 200 या फिर निफ्टी 500 जैसे स्टॉक्स एक साथ में ही ऐड कर सके तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। मान लीजिए कि आपको निफ्टी 500 की स्टॉक्स लिस्ट ऐड करनी है, तो जो भी आपको निफ्टी 200 चाहिए तो यहाँ पे गूगल में आके लिखना है निफ्टी 200, 500 के चाहिए तो लिखना है निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट। अभी हम निफ्टी 200 का करेंगे। तो मान लीजिए कि निफ्टी 200 के लिए हमने सर्च कर लिया, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, जिसमें से आपको पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है NSE इंडिया की। तो जैसे ही आप वो ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। तो उसके बाद हमें ये जो .csv फाइल है उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो आपके सामने कुछ ऐसी फाइल आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम ये पहली वाली कॉलम है जो कंपनी नेम वाली, वो यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। उसके बाद ये इंडस्ट्री वाला भी हमारे कुछ काम का नहीं रहने वाला, तो उसे भी हम डिलीट कर देंगे। सिंबल हमें चाहिए तो वो हम रखेंगे, सीरीज हम डिलीट कर देंगे, ISIN कोड भी हम डिलीट कर देंगे, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमें केवल सिंबल वाली कॉलम को रखना है। यहाँ से मैं सिंबल भी हटा देता हूँ। अभी क्या करना है, अभी हमें दूसरी कॉलम में आके यहाँ पे टाइप करना है कोमा, और उसके बाद इस कोमा को हमें लास्ट तक खींच के ले जाना है, ताकि सब नाम के सामने ये कोमा आ जाए। तो ये सब हो गया। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहली लाइन में आना है, वहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू, उसके बाद ये पहला सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद टाइप करेंगे हम एंड, उसके बाद ये कोमा वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है एंड एंटर। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये सिंबल एंड कोमा आ जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग कर लेना है लास्ट तक, 200 स्टॉक तक। तो इस तरीके से हमारे दूसरी लाइन में ये सब आ जाएगा। अब क्या करना है, इस जो कोमा वाला सिंबल आया है उसको हमें कॉपी कर लेना है, पूरी कॉलम को। कॉपी करने के बाद हमें इसे यहाँ पे, मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी। उसके बाद आ जाना है ट्रेडिंग व्यू की साइट पे। अब यहाँ से ट्रेडिंग व्यू में चले जाना है, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आपको वॉच लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने सभी अभी आपको दिखाने के लिए डिलीट करके रखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ निफ्टी 50 ये सब इंडेक्स दिखाई देंगे। तो वॉच लिस्ट का लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें सभी नाम पेस्ट कर देने हैं और दे देना है एंड। तो ये देखिए, हमने जो सभी निफ्टी 200 के सिंबल थे वो यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, वो हमारी वॉच लिस्ट में आ चुके हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से हम इसको ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो निफ्टी 500 भी कर सकते हैं, निफ्टी 100 भी कर सकते हैं, या फिर कोई आपका पर्सनलाइजेशन वाला कोई वॉच लिस्ट है तो वो भी आप यहाँ पे एक्सेल में डाल के इस तरीके से कोमा डाल के कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी काफ़ी आसान तरीके से ये हो सकता है। तो आई होप आपने ये इंट्राडे की स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आप इसे वॉच कर लीजिएगा। एंड अब आपका काम ये रहेगा कि आपको जिस भी स्टॉक्स में काम करना है इंट्राडे में, उसकी लिस्ट यहाँ से गूगल में से निकाल के आप वो वॉच लिस्ट ट्रेडिंग व्यू में बना दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।